सर्वो मोटर SG90, नॉर्मल डीसी मोटर जो सप्लाई देने के बाद कंटिन्यूस रोटेशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, तो हमें कुछ जगह पे 0 से लेके 180 डिग्री मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त हमें सर्वो मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। सर्वो मोटर जो नॉर्मल डीसी गियर की मोटर की तरह गोल गोल न घूमते सिर्फ 0 से लेके 180 डिग्री की मूवमेंट विथ 1 डिग्री एक्यूरेसी देती है। अब हम इसका और डिटेल देखेंगे। सर्वो मोटर को बेसिकली 3 पिन्स होती है, जो ऑरेंज कलर की होती है वो है कंट्रोल पिन, रेड कलर की 5 वोल्ट पिन और ब्राउन कलर की ग्राउंड पिन होती है। कंट्रोल पिन को हम PWM सिग्नल दे के, जो बेसिकली 1 माइक्रोसेकंड से 2 माइक्रोसेकंड तक हम दे सकते हैं। 1 माइक्रोसेकंड मीन्स 0 डिग्री और 2 माइक्रोसेकंड मीन्स 180 डिग्री, इस तरह से हम उसे सिग्नल देते हैं। अभी और डिटेल देखेंगे। सर्वो मोटर के बेसिकली 4 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ डीसी मोटर, जो इस मोटर को रोटेट करने में मदद करती है। सेकंड इज़ अ कंट्रोल यूनिट, जो किस डायरेक्शन में और किस पर्टिकुलर डिग्री पे रोटेट करना है उसका डिसीजन लेती है। गियर ट्रेन, जो मोटर की पावर को बढ़ाकर सर्वो मोटर को ताकत देती है। और लास्ट वन इज़ अ पोटेंशियोमीटर, जो एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। सर्वो मोटर को पता होना चाहिए कि वो अभी किस पर्टिकुलर डिग्री एंगल ऑफ डिग्री पे है। अगर वो उस एंगल ऑफ डिग्री पे नहीं होंगी तो इस पोटेंशियोमीटर से हमें समझ जाएगा कि वो किस डिग्री ऑफ एंगल पे है और वो डिजायर्ड एंगल और डिग्री पर मूवमेंट करेगी अकॉर्डिंग टू कंट्रोल यूनिट। सर्वो मोटर, जैसे मैंने पहले कहा था, 1 मिलीसेकंड से लेकर 2 मिलीसेकंड तक वेरी होता है। 1 मिलीसेकंड मींस 0 डिग्री और 2 मिलीसेकंड मींस 180 डिग्री। तो हम 1 मिलीसेकंड से 2 मिलीसेकंड का टाइम डिले वेरी करके इसकी 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक एंगुलर कंट्रोल कर सकते हैं।